हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर नेट। दोस्तों, आज टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या वो कंपाउंड जो कि इसी तरह के यूनिट्स हाइड्रोलिसिस पे देते हैं। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट उनको कहेंगे जिनके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप हो और फंक्शनल ग्रुप को फॉर्म में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। जनरल फॉर्म जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो CnH2O होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता हो उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे ही। एक्सेप्शन भी है, जैसे एस्टिक एसिड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई तो करता है, लेकिन एस्टिक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। उसी तरीके से रेबनोज सुगर इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या हो सकता है? एक से ज्यादा OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड हो सकता है, या एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैव मोर देन वन OH ग्रुप। OH ग्रुप की संख्या एक से ज्यादा होने के कारण ही कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। दूसरा, वन एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, या वन कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो गए? जिनके पास एक से ज्यादा OH ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, या कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, वो उनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2O। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करे वो सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट ही होंगे। एक्सेप्शन में जैसे एस्टिक एसिड सेटिस्फाई करता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी तरीके से रेबनोज सुगर क्योंकि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का और भी एग्जाम्पल है, जैसे राइबोज सुगर पाया जाता है RNA में, डीऑक्सीराइबोज सुगर जो कि पाया जाता है DNA में। राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर देखें तो राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। राइबोज सुगर 5 कार्बन का सुगर होता है, पहले कार्बन को ध्यान से देखें। अगर पहले कार्बन पे OH ऊपर है तो उसको कहेंगे बीटा फॉर्म ऑफ डी राइबोज सुगर। डी ऑक्सी राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाम से क्लियर है, डी ऑक्सी का मतलब डी ऑक्सीजनेशन होगा, मतलब एक ऑक्सीजन कम होगा। तो डी ऑक्सी राइबोज सुगर का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जो सेकेंड कार्बन पे OH होता है राइबोज के, उसका हो जाता है डी ऑक्सीजनेशन। सेकेंड कार्बन पे जो OH था उसका हो गया डी ऑक्सीजनेशन, इसलिए इसको 2-deoxyribose sugar भी बोलते हैं। क्योंकि ऊपर है OH पहले कार्बन पे तो बीटा फॉर्म हो गई है, बीटा फॉर्म ऑफ 2-deoxyribose sugar। ये पाया जाता है किसमें? DNA में।
और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? आरएनए में। और डीएनए और आरएनए ही क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में बीटा फॉर्म ऑफ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड। मतलब यहां से हम ये लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड बीटा फॉर्म ऑफ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज और डीऑक्सीराइबोज इज फाउंड। बीटा फॉर्म पाया जाएगा किसका? राइबोस का या डीऑक्सीराइबोस का? किसमें? न्यूक्लिक एसिड में। कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है एल्डोस सुगर, या इसी को एल्डोलेजेस भी बोलते हैं, दूसरा कीटोज सुगर, या इसी को कीटोजेस भी बोलते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड पाया जाता है एज ए फंक्शन ग्रुप तो कहेंगे एल्डोस सुगर या एडोलेजेस, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट में कीटोन पाया जाता है एज ए फंक्शन ग्रुप तो कहेंगे कीटोस सुगर या कीटोजेस। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप देन कॉल्ड इट एल्डोज सुगर या एल्डोलेजेस। एग्जाम्पल में ग्लिसरेल्डिहाइड, कीटोसुगर किस किस कहेंगे? एल्फिना कार्बोहाइड्रेट, कीटोन इज प्रेजेंट एज ए फंक्शन ग्रुप। कीटोन पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप फॉर्म में, कीटोन इज प्रेजेंट एज ए फंक्शनल ग्रुप। तब उसको कहते हैं कीटो सुगर, देन इट इज कॉल्ड एज कीटो सुगर या कीटोजेस। एग्जांपल में फ्रुक्टोज। दो तरह कार्बोहाइड्रेट हुए एल्डोस सुगर या एल्डोलेजेस, जिसमें कि एल्डिहाइड पाया जाएगा फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कीटो सुगर कीटोजेस जिसमें कीटोन पाया जाता है फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? फ्रुक्टोज। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज या ग्लिसरेल्डिहाइड एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट में एसिमेट्रिक कार्बन भी पाया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है और वही एसिमेट्रिक कार्बन जाके काइलर सेंटर बनाते हैं। तो कह सकते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, कुछ कार्बोहाइड्रेट में एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है। एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट इन सम कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में एसिमेट्रिक कार्बन पाया जाता है एंड दिस एसिमेट्रिक कार्बन और यही एसिमेट्रिक कार्बन बनाता है क्या? काइलल सेंटर इन कार्बोहाइड्रेट।
यहीं पे आता है डीएनएल नॉमेनक्लेचर, एसओटी कार्बन के रेस्पेक्ट में ही हम डीएनएल नॉमेनक्लेचर को भी पढ़ लेते हैं। अगर हम कहते हैं जैसे कुछ सिंपल सुगर ले लें, जैसे मान लो ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड का। नंबरिंग कर लिया जाए तो 1, 2, 3, तो इसमें से केवल दूसरा कार्बन ही है जो कि एसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है, चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है। मतलब सेकंड कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन, और यही काला सेंटर बनाया गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर बनाया गया, स्टीरियो सेंटर बनाया गया। अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट हैंड साइड पाया जाता है तो उसको कहेंगे डी फॉर्म। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड पाया गया है उसको कहेंगे डी ग्लिसरल एल्डिहाइड। लेकिन अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पाया जाएगा अगर एसिमेट्रिक कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पाया जाएगा तो उसको कहेंगे L ग्लिसरल एल्डिहाइड। जब भी डी और एल फॉर्म लिखना होता है तो हम फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूरी पर जो स्टीरियो सेंटर होगा उसके पास जाते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप और स्टीरियो सेंटर के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हैं। मतलब उस स्टीरियो सेंटर को लेते हैं जिसकी दूरी फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड की दूरी से मैक्सिमम हो। जैसे अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंसिडर करें हम, तो ग्लूकोज में कब डी कहेंगे कब एल कहेंगे उसको देखते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ग्लूकोज भी 6 कार्बन का होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H2O6, और ये एल्डोस शुगर होता है। एल्डोस शुगर कहने का मतलब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा इसके अंदर। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, तीसरे कार्बन पे हमेशा ही OH की पोजीशन चेंज हो जाती है, बाकी फिर उसके बाद वैसे ही चलता चला जाएगा। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में है, ये नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखा जाए। ये भी एसिमेटिक कार्बन है, ये भी एसिमेटिक कार्बन है, ये भी है, लेकिन हमको उस एसिमेटिक कार्बन को कंसिडर करना है जिसकी दूरी इस फंक्शनल ग्रुप से मैक्सिमम हो, तो वो पांचवा कार्बन है। ठीक है, तो इस पांचवें कार्बन को ही कंसीडर करेंगे हम डी और एल फॉर्म लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन की दूरी फंक्शनल ग्रुप से मैक्सिमम दूरी पर है, और ये कैसा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियो सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है। एसिमेट्रिक सेंटर होने के कारण हम डी और एल का नाम यहीं से लिखेंगे। अगर एसिमेट्रिक कार्बन पर OH की पोजिशन राइट हैंड साइड है, यहाँ जिस जैसा यहाँ पर दिख रहा है कि OH की पोजिशन राइट हैंड साइड है, तो इसका नाम क्या जाएगा, डी ग्लूकोज। लेकिन अगर इसी में हम चेंज कर दें OH की पोजिशन लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे तो कहेंगे येलो ग्लूकोज। ठीक है, तो हम उस एसिमेट्रिक कार्बन को देखते हैं जिसकी दूरी फंक्शनल ग्रुप से मैक्सिमम दूरी पर हो, इज इट। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट रिपोर्ट हुए हैं जिनके पास एसिमेट्रिक सेंटर होता ही नहीं है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक सेंटर है तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो बनते हैं उसका फॉर्मूला है 2n, जहाँ n क्या है, n इज ए नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, n एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या।
एक चीज में और नोट करने वाली है कि डाइहाइड्रोक्सीस्टोन इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें कि कोई भी एसिमेटिक कार्बन नहीं पाया जाता है, और जिसके पास एसिमेटिक सेंटर नहीं होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। तो इसमें चिन्हों करके लिखने वाली बात है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है इन विच नो एसिमेटिक सेंटर इज प्रेजेंट, इसमें कोई भी एसिमेटिक सेंटर नहीं पाया जाता है। एसिमेटिक सेंटर कोई नहीं पाया जाता है इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा किसमें, नेचर में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप में, मोनोसैकेराइड में, दूसरा ओलिगोसैकेराइड में, तीसरा पॉलीसैकेराइड में। ठीक है, आगे देखते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। Monosaccharides are made up of single unit of simple sugar. Single unit of simple sugar से बने होते हैं, मतलब इसमें सिंपल शुगर का केवल एक ही यूनिट होगा और इनको हम फर्दर हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइब्रिडाइज, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड एग्जांपल जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया एटसेट्रा। मोनोसैकेराइड में जो कार्बन संख्या आती है कार्बन तीन से कार्बन सात तक के जो मेंबर होते हैं वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। कार्बन तीन है मतलब वो मोनोसैकेराइड कार्बन तीन है उसको हम कहेंगे ट्रायो शुगर, उसको कहते हैं ट्रायोज शुगर, जिसमें कार्बन तीन होगा कहेंगे उसको ट्रायो शुगर। और वो शुगर हो सकता है एल्डो शुगर भी हो सकता है या कीटो शुगर भी हो सकता है। तो अगर एल्डो शुगर है और तीन कार्बन का है तो इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है ग्लिसरल एल्डिहाइड, और तीन कार्बन का मोनोसैकेराइड है मतलब ट्राई शुगर और कीटोज है इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन, डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन। अगर चार कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो उसको हम कहते हैं टेट्रोज शुगर, इसका एग्जांपल है इरिथ्रोज। इरिथ्रोज जो है मोनोसैकेराइड है और इसके पास चार कार्बन संख्या कितनी है चार। उसी तरीके से अगर मोनोसैकेराइड है पांच कार्बन का तो उसको कहेंगे पेंटोज शुगर, अगर मोनोसैकेराइड है पांच कार्बन का तो उसको कहेंगे हम पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का जो बढ़िया एग्जांपल देखने को मिलता है वो है राइबोज शुगर और डी ऑक्सीडाइबोज शुगर। अगर छह कार्बन का मोनोसैकेराइड है
उसको हम हेक्सोज सुगर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एक्सेट्रा। अगर 7 कार्बन का मोनोसैकेराइड है तो उसको हम हेप्टोज सुगर के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा सीडो हेप्टुलोज। उसी तरीके से हम देखते हैं दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। अब पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, ओलिगो मतलब होता है फ्यू। ओलिगोसैकेराइड ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। इसमें 2 से 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर में भी प्रेजेंट है। 2 से 10 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर में भी प्रेजेंट है। अगर सिंपल शुगर के 2 यूनिट प्रेजेंट है, इफ 2 यूनिट ऑफ सिंपल शुगर इज प्रेजेंट, अगर सिंपल शुगर के 2 यूनिट प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं डाइसैकेराइड। तो उसको क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अगर 3 यूनिट प्रेजेंट है।